Modi and I welcome you all on Dr. Modi's English Dhaba. Today, the thing which we are going to learn is really nice. It means so nice. Why am I telling this thing? I'm really so excited to tease this thing. What is that thing? Let me tell you. You are going to see it here something. SOMH SHMO. I will not tell about this thing that what is actually this. I'll tell you something else. Because that is much more important than I'm going to teach. गाइस ध्यान से समझिए, आज जो चीज हम समझने वाले हैं वो चीज ऐसी है कि अगर आपने उसको ध्यान से समझ लिया तो ये मान के चलिए आप दुनिया का कोई भी इंग्लिश सेंटेंस बना पाएंगे। हम हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं और हम लोग सबसे पहले हिंदी समझते हैं और उसके बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। इंग्लिश सीखने के दो तरीके हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि यार हिंदी में मत सोचो, डायरेक्टली तुम दोनों इंग्लिश बना दिया करो। आप बहुत बार ऐसे लोग कहते हैं, वो बिल्कुल पॉसिबल है, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। वो तभी पॉसिबल है जब आपको एक्सपोजर मिले, एक्सपोजर इन द सेंस ऑफ कि आपको एक्सपोजर मिले कि लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके साथ में इंग्लिश बोलना चाहते हैं या इंग्लिश बोलना जानते हैं। आपको ऐसा कोई पर्सन मिल ही नहीं रहा है तो आप कभी सिचुएशनल इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे। आप इंग्लिश सीखोगे पर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो गलत होगी और आपको सही करने वालों को मिलेगा नहीं। ऐसे केस में इंग्लिश होती है वो होती है, ऐसे केस में ट्रांसलेशनल इंग्लिश बोलनी पड़ती है, ट्रांसफॉर्मेशनल इंग्लिश नहीं आ पाती इन द स्टार्टिंग। आपने अगर 5 से 6 महीने प्रॉपरली दे दिए तो उसके बाद में आप जैसे इंग्लिश चाहे इफेक्टिव लेवल पे इंग्लिश आराम से बोल सकते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझ रहे हैं और वैसे बात करें तो ये एडवांस लेवल भी है और बेसिक लेवल भी है, दोनों तरीके का लेवल है। तो आज जो चीज हम समझने जा रहे हैं वो चीज क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, आज हम सीखने जा रहे हैं दुनिया किसी भी तरीके के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। अगर हमारे पास कोई भी हिंदी सेंटेंस होता है, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि सर मेरे को इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना नहीं आता, मेरे पास हिंदी सेंटेंस तो है पर मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाता, इसको हम बोलते हैं मेरे से सेंटेंस नहीं बनते। वो क्यों नहीं बनते? एक कारण तो उसका यह है कि मुझे प्रॉपरली पता ही नहीं चलता कि मैं सेंटेंस बनाऊं कैसे। एक और कारण ये भी है कि सर मुझे शुरू से नॉलेज नहीं था तो मुझे पता नहीं चलता। और एक और कारण इसका यह है कि कहीं ना कहीं मेरे ब्रदर सिस्टर्स मतलब जो टीचर्स हैं इंग्लिश के ऑल ओवर वर्ल्ड में, उन्होंने एक बगबियर फैला रखा है इंडिया में कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है, इंग्लिश आराम से नहीं आने वाली और इट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल कि आप इंग्लिश बोल पाए अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल से बिलोंग कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरीके से दुनिया के किसी भी तरीके के सेंटेंस को हम इंग्लिश में बदल सकते हैं। ये वीडियो एक फैंटास्टिक वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको असली में इंग्लिश बोलना सीखना है। मैं हूं डॉक्टर अभिलाष मोदी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन डॉक्टर मोदीज इंग्लिश ढाबा। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर दो चीजें लिखी हुई है, एस ओ एम एच और यहां नीचे लिखा हुआ इंग्लिश के लिए एस एच एम ओ, दो चीजें यहां पे लिखी हुई है। ये चीजें क्या है पहले समझ लें। आपको केवल दो चीजें मगअप करनी है, दो चीजें पैराटाइज करनी है, दो चीजें रटनी है, वो इसको माइंड में आप रट लें। एस ओ एम एच और एस एच एम ओ ये क्या है? दुनिया के जितने भी हिंदी सेंटेंसेस हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हों चाहे वो कितने भी छोटे हों, वो हमेशा इस सीक्वेंस में, इस क्रम में होते हैं। हमेशा दुनिया के किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंदर सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का अर्थ क्या हुआ? सबसे पहले दुनिया को कोई भी हिंदी सेंटेंस ये बताता है कि परफॉर्मर कौन है, सेंटेंस में परफॉर्मर कौन है, कौन है जो परफॉर्म करने वाला है इस सेंटेंस को। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में एक बार के लिए इसको आप लीव कर दें, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दें। इसके बाद में आता है मैन वर्ब। मैन वर्ब का अर्थ क्या होता है? जो चीजें हमें ये बताती है कि सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है। मैन वर्ब जैसा यहां पे लिखा हुआ है, तो मैन वर्ब का अर्थ क्या होता है? सेंटेंस में ये बताना सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है। वापस देखते हैं, सब्जेक्ट का काम है परफॉर्मर कौन है, मैन वर्ब का काम है परफॉर्म क्या हो रहा है, परफॉर्म तो हो रहा है पर परफॉर्म क्या हो रहा है। और लास्ट है हेल्पिंग वर्ब, जैसा आप यहां देख सकते हैं, इसका अर्थ होता है ये किस समय में हो रहा है। टेंस के अकॉर्डिंग इंग्लिश सीखेंगे आप तो वो टेंशन देगा, सेंस के अकॉर्डिंग इंग्लिश आप सीखेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग इंग्लिश अगर आप सीखोगे तो दैट विल बी रियली नाइस फॉर यू। तो आप इसको ट्राई करें। हेल्पिंग वर्ब का अर्थ क्या है? अगर मुझे ये पता चल जाए कि सेंटेंस जो है वो किस टाइम का है, जैसे वो प्रेजेंट का है, वो पास्ट में हो गया है ऐसा है या फ्यूचर में होगा ऐसा है। तो देखिए कुछ हम बना करके देखते हैं जिससे आपको आ पाएगा। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं इसको ताकि आप इसको समझ पाए। सब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट मैन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. कोई फॉर्मूला अलग तरीके से याद नहीं रखना है हमको, हमको केवल एक ही फॉर्मूला दिमाग में रखना है, एस ओ एम एच. मेरे साथ फिर से बोलिए प्लीज, एस ओ एम एच. एस फॉर सब्जेक्ट मतलब परफॉर्मर, ओ एक बार के लिए छोड़ दें, इसके बाद में है एम, एम मींस मैन वर्ब, इसके बाद में है एच, एच का अर्थ हुआ हेल्पिंग वर्ब. जब मुझे सब्जेक्ट पता चल गया, मैन वर्ब पता चल गई और हेल्पिंग वर्ब पता चल गई, इसके अलावा जो चीज बच रही है सेंटेंस के अंदर वो चीज हो जाता है उसके अंदर ऑब्जेक्ट. देखिए मुझको बताने दीजिए एक बार, लेट मी टेल यू वन और टू एग्जाम्पल्स जिससे आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो पाएगा ये क्या है. देखिए देखिए जैसे हम देखते हैं, मैंने इन सेंटेंस को नहीं लेता हूं, मैं अलग सेंटेंस को लेता हूं. जैसे हम कुर्सी पर बैठ रहे हैं, हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम क्या है, सब्जेक्ट है, परफॉर्मर है. कुर्सी पर छोड़ दीजिए एक बार, बैठ रहे हैं तो बैठना क्या है, बैठना एक मैन वर्ब है, और रहे हैं मतलब अभी प्रेजेंट में इस काम को कर रहे हैं, तो रहे हैं किसका सिंबल हो गया, हेल्पिंग वर्ब का सिंबल हो गया. और कुर्सी पर जो बीच में आ रहा था वो क्या हो गया, वो हो गया ऑब्जेक्ट. और बनाते हैं, मैं कैमरे से शूट करता था, मैं कौन हूं, मैं परफॉर्मर हूं, मैं सब्जेक्ट हूं. कैमरे से हो गया ऑब्जेक्ट, शूट करना ये क्या हो गया मैन वर्ब, करना ना आ रहा है, हर मैन वर्ब के एंड में ना आएगा, और करता था ये होगी उसकी हेल्पिंग वर्ब. तो हिंदी में हमें सिंबल समझने होंगे कि जो भी सेंटेंस के एंड में आते हैं हिंदी में वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के सिंबल. क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के सिंबल. देखिए जैसे हम यहां पर देखते हैं, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, इसका क्या हुआ, वी आर लर्निंग इंग्लिश. देखिए इसको देखें, मैंने यहां लगा पाए रहे हैं इसलिए मैं यहां लगा रहा हूं आर. बाकी देखिए हम की इंग्लिश होती है वी, सीखने की इंग्लिश होती है लर्न, और अंग्रेजी की इंग्लिश इंग्लिश सिंपल. तो देखिए हमको अगर ये चीज पता चल जाए कि रहे हैं की इंग्लिश क्या है, चुका था चुके थे इसकी इंग्लिश क्या है, गा गी गे हम जाएंगे तुम जाओगे मैं समझूंगा, अगर इनकी इंग्लिश हमें पता चल जाए तो मजा आ जाएगा और दुनिया का हर इंग्लिश सेंटेंस हम बना पाएंगे. तो देखिए हम अंग्रेजी सीख रहे थे इस इंग्लिश के लिए वी आर लर्निंग इंग्लिश. अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा हो इसलिए आईएनजी क्यों लगा, तो इसके लिए आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो देखनी होगी. अभी हमारा मेन पर्पस केवल ये है कि आपके मन का डर निकालना कि इंग्लिश सीखना बहुत आसान है. कारण ये है क्योंकि हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इट इज द ओनली गोल्डन रूल ऑफ इंग्लिश, कि हमको इसके थ्रू इंग्लिश को समझना है, उसके द्वारा हम दुनिया का कोई भी इंग्लिश सेंटेंस बना सकते हैं. आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने छोटे छोटे स्टूडेंट्स को, बहुत छोटे छोटे स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलना सिखाया है इसी फॉर्मूले के द्वारा. लोग बोलते हैं कि नहीं हो सकता ऐसा, हो सकता है अगर आप इसको सही ढंग से एक प्रिसाइस मैनर में समझ लें तो हो सकता है, दैट इज रियली पॉसिबल. इसके बाद में है वह 10 साल पहले मर चुका था, सेंटेंस के में क्या आया, चुका था. यहां पर है हेल्पिंग वर्ब, इंग्लिश में लगती है वो सेकंड नंबर पर, उस पर से क्या आया हेड. वापस देखें, वह 10 साल पहले मर चुका था, एस ओ एम एच है, उसको एस एच एम ओ में बदलना है. सब्जेक्ट क्या है, परफॉर्मर कौन है, वह इंग्लिश होती है ही. चुका था का हेड ऑलरेडी लग चुका है, मरने की इंग्लिश होती है डाय, इसकी थर्ड फॉर्म लग रही है, क्यों लग रही है वो हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे. तो ही हैड डाइड 10 साल पहले, 10 इयर्स अगो, सिंपल. नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं, मैं सफल इंसान बनूंगा, मैं आई लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, गा जाऊंगा आऊंगा, मैंने इसको यहां पर भी लिख रखा और यहां पर भी ताकि आप समझ प्रॉपरली पाए. इसके लिए लगता है विल, शैल भी लगा सकते हैं, वो क्यों लगता है उसके लिए भी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा. अभी आपका मेन पर्पस देखिए, बिल्कुल कंफ्यूज ना होए कि हमको सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्यों थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, क्यों फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो, क्यों आईएनजी फॉर्म लगा रहे हो, भी नहीं समझना है. अभी हमको केवल ये समझना है कि मुझे सेंटेंस के एंड में देखना है, हिंदी सेंटेंस के एंड में, और उसके अकॉर्डिंग यहां पर लगाना है. इस मेंटेलिटी को पहले सबसे अंदर माइंड में डालना है, कब क्या लगाना है वो बात की बात है. अभी मैं सोच रहा हूं, अभी मेरे को ये चीज समझनी है सबसे पहले कि मुझे करना किस तरीके से है, चीज को क्या करना है, एक्जेक्टली क्या करना है वो हम थोड़ी देर बाद में सीखेंगे. तो इसके अंदर हमने बना दिया आई विल बिकम सक्सेसफुल पर्सन. एक मैंने यहां पर थोड़ा सा बना रखा है, देखिए कि हम यहां पर ये समझ सकते हैं कि मुझे किस तरीके से थॉट्स को सिक्वेंशलाइज करना है. इन द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस
ये लिखा। मुझे सबसे पहले जो है हिंदी सेंटेंस के लास्ट में देखना है, रहा है आ रहा है, चुका है आ रहा है। अब इसको घर पे भी ट्राई करें, जैसे मैं वहां जा सकता था तो मैंने पहले बताना चाहिए था। तो इसमें क्या है, जा सकता था मतलब सकता था, ये हेल्पिंग वर्ब है, हिंदी का सिंबल है। मुझे बताना चाहिए था, चाहिए था, ये हिंदी का सिंबल है। इसके अकॉर्डिंग सेकेंड नंबर पर चीज चेंज हो जाएगी। जैसे मुझे इस तरीके से बोलना है कि मुझे कैमरा खरीदना है, तो ना है जो ये चीज आ रही है, ये जिसके आ रही है हेल्पिंग वर्ब, मुझे अकॉर्डिंग यहाँ इंग्लिश में यहाँ लगानी पड़ेगी। मतलब ये चीज ध्यान में रखें कि हेल्पिंग वर्ब होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसे इंग्लिश बोलते हैं, आई नॉट गो देयर, अब उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, उसको समझे। हाँ, मेरा पर्पस केवल यह है कि हम हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा सा समझ पाए और उसके अकॉर्डिंग यहाँ परचेज कर पाए। तो सबसे पहले इन द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंस आपको देखना है हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, फिर चूज हेल्पिंग वर्ब्स, वर्ब भी लिखा हुआ है, वर्ब्स भी लिखा हुआ है, मतलब हेल्पिंग वर्ब्स को चुने। हेल्पिंग वर्ब्स को चुनने का अर्थ क्या हुआ कि मैं जैसे सपोज कीजिए रहा है, रही है, रहे, इसके लिए इस आर एम भी लगा सकते हैं, हैज बीन, हैव बीन भी लगता है जब टाइम ड्यूरेशन आता है, सेंस और फोर वाला यूज भी आपने पढ़ा होगा अगर कभी, तो उसमें वर्ब या वर्ब्स, तो मैंने उन तीनों वर्ब्स को चुने, जैसे रहा है, रही है, इसमें इस आर एम तीनों आता है, पर यहां पर आ रहा है हम, इस कारण से मैंने क्या चुना, आर। तो ये कैसे पता चलेगा, चूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब चुननी है। यहां हम वर्ब भी चुन सकते हैं, वर्ब्स भी चुन सकते हैं, यहां पर हमको क्या चुननी है, हमको सिंगल वर्ब चुननी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर चुका था, इसमें तो हमेशा हेड ही लगता है चाहे कैसी भी कंडीशन हो, ओके, पर रहा है, रही है, इसके अंदर इजारा में लग सकता है, इसलिए मैंने यहां पे वर्ब भी लिख रखा है और वर्ब्स भी है, दोनों है। तो अगर कभी भी तीन या चार वाली चीज हो, देखिए चार वाली चीज तो कभी नहीं होती, तीन वाली अगर कभी चीज हो तो वहां पर हमको क्या करना है, वहां पर इस तरीके से हमको करना पड़ेगा, सिंगल हेल्पिंग को चुनना पड़ेगा। इसके बाद में अप्लाई मैन वर्ब अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब, जैसे आर के साथ आईएनजी लगता है, हेड के साथ फॉर्म लगती है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये हम आपको अगली या इससे अगली वीडियो में बताएंगे कि किसके साथ कैसे लगती है, अभी मेरा पर्पस ये था मैं थोड़ा सा बेसिक समझा दूं। तो मैन वर्ब लगाएं अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब और फाइनली मेक द कंप्लीट सेंटेंस। आपको सब्जेक्ट केवल इंग्लिश लिखनी है, ऑब्जेक्ट की भी केवल इंग्लिश लिखनी है, इसके अंदर कुछ दिमाग नहीं लगाना, कोई रूल नहीं होता इसका, सो डायरेक्टली आपको इस तरीके से बनाना है। सो गाइज, आज जो हमने चीज सीखी है, अगर आप इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आप माने या ना माने, दुनिया का कोई भी हिंदी सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। शुरू के 5 से 6 महीने आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद में आप इंग्लिश के अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल ड्रिल लगा सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल ड्रिल का अर्थ ये होता है जो सब्स्टिट्यूशनल ड्रिल के भी बहुत ऊपर होती है, ट्रांसफॉर्मेशनल ड्रिल का अर्थ होता है मैं कैसे सेंटेंसेस को इफेक्टिव वे में बता सकता हूं। मैं एक ही सेंटेंस के, देखिए सबसे पहले आपका पर्पस होना चाहिए कि मैं हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश बना पाऊं, ट्रांसलेट कर लिया आपने, और फिर उसके बाद में जब मुझे ये चीज आ चुकी है ऑलमोस्ट 90-95% आ चुकी है, तो मैं कैसे एक हिंदी सेंटेंस से 4 इंग्लिश सेंटेंस अलग अलग तरीके से बना पाऊं, आपका नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए। तो आज हमने काफी अच्छी चीजें सीखी गाइस, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अभिलाष मोदी, वेलकम यू ऑल ऑन डॉक्टर मोदीज इंग्लिश ढाबा। आज हम जो चीज सीखने जा रहे हैं वो क्या है, देखिए देखते हैं गाइस। क्या कभी आपने किसी को इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हुए देखा है, जैसे आई एम नॉट स्लीप प्रॉपरली, शी इज नॉट टॉक प्रॉपरली, आई विल बी बिकम सक्सेसफुल। जब लोग इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हैं, या एक और मेरे को सेंटेंस अच्छा याद आ रहा है, आई हैज और आई हैव गो एट देयर, शी हैव टू डू दिस। गाइस अगर आप इन सब चीजों में देखोगे तो आप एक चीज को पाओगे, वो चीज क्या है, हम इंग्लिश बोल तो पा रहे हैं पर हम इंग्लिश गलत तरीके से बोल रहे हैं, और हमको लग रहा है हम समझा तो पा रहे हैं ना कम से कम, पर हमारा पर्पस, मेरा पर्पस, इस चैनल का पर्पस ये है कि आप सही ढंग से इंग्लिश को बोल पाएं। सिर्फ इंग्लिश को ना बोले, सही ढंग से इंग्लिश को बोल पाएं। अगर कोई भी लैंग्वेज आपको प्रॉपरली आती है, इस चीज को आप जान लें, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप एक शानदार स्पीकर बन जाएंगे, आप लोगों को कम्युनिकेट कर पाएंगे, आप लोगों से बातचीत प्रॉपर लेवल पर कर पाएंगे, लोग आपसे इन्फ्लुएंस्ड होंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, अगर आपके पास में प्रॉपर कलेक्शन ऑफ वर्ड है और
उसके अंदर सही ग्रामर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो आज जो चीज हम समझने वाले हैं वो ये है, कैसे हम इस चीज को पता करें कि किस हेल्पिंग वर्ब के साथ में कौन सी मैन वर्ब लगती है। देखिए दोस्तों, मैन वर्ब चार तरीके की होती है। मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, एक मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और एक और मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म होती है। अगर हमें यह पता चल जाए कि दुनिया की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स का अर्थ मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था इंग्लिश वाले, हेल्पिंग वर्ब का अर्थ यह होता है जब हमें ये चीज पता चल जाए किसी शब्द के माध्यम से कि ये सेंटेंस किस टेंस, किस टाइम के अंदर बना हुआ है, वो चीज कहलाती है हेल्पिंग वर्ब्स। तो आज हम चीज जो समझने वाले हैं वो चीज ऐसी है कि किस तरीके से हम बिना गलती किए सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, प्रॉपरली देखें, क्योंकि अगर आप इस चीज को प्रॉपरली समझ पाए तो आप चाहेंगे तो भी आपसे गलती नहीं होगी। वेलकम यू ऑल ऑन डॉक्टर मोदीज इंग्लिश ढाबा, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, चार तरीके की चीजें यहां पर है, डू, डस, डिड, विल और शैल। सेकंड फॉर्म को थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए, हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव, इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ये जितनी भी चीजें हैं इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं देखते हैं। देखिए पहले नंबर पर जो चीज आपको दिमाग में लगानी है, जो चीज आपको दिमाग में रखनी है, वो चीज क्या है, आपको फर्स्ट नंबर पर इस चीज को ध्यान में रखना है कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेंसेस के अकॉर्डिंग जो चीजें होती है, टेंसेस के अकॉर्डिंग जो मैन वर्ब्स होती है, वहां चार चीजों में लग सकती है, डू में, डज में, डिड में और विल में। मैं यहां पर शैल की बात नहीं कर रहा हूं, शैल को हम बोल सकते हैं शैल विल की पत्नी की तरह है, शैल विल की गर्लफ्रेंड की तरह है, या शैल विल के बॉयफ्रेंड की तरह है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं समझे, जहां कहीं विल दिख रहा है वहां आपको शैल भी दिख रहा है, जैसे विल हैव, शैल हैव, विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। आप हर जगह पर इस चीज को देख पा रहे हैं, जितनी भी चीजें हैं इन सारी चीजों को आप देख पा रहे हैं। इसलिए हमारे माइंड में चीजों की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, चीजों की याद रखने की कैपेसिटी को ज्यादा करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में समझें कि मैं अभी माइंड में विल ही रखूंगा और एक कोने में रखूंगा माइंड के कि शैल भी साथ में है। ठीक है, विल और शैल में जो आप डिफरेंस समझते हैं कि आई और वी के साथ में शैल लगाना है और बाकी सबके साथ में विल, तो मैं एक छोटा सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम क्यों बोलते हैं फिर कि आई विल डू माई लेवल बेस्ट या आई विल डू माई लेवल बेस्ट, क्यों बोलते हैं? देखिए ये फिक्स नहीं है कि आई के साथ में शैल ही लगेगा या वी के साथ में शैल ही लगेगा, ये डिपेंड करता है कंडीशन पर। तो दोनों चीजें यहां पर लग सकती है, शैल भी लग सकता है और विल भी लग सकता है। अभी हमें अपने माइंड को कम स्ट्रेस देने के लिए इस चीज को समझना है कि विल और शैल दोनों एक ही चीजें हैं, पर अलग अलग जगह पर वो यूज में आती है और हमें अभी माइंड में ध्यान में रखना है केवल विल। तो चालू करते हैं गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर डू, डज, डिड, विल और शैल। एक बार के लिए मैं शैल को एलिमिनेट कर रहा हूं, शैल हैव को एलिमिनेट कर रहा हूं, शैल बी को और शैल हैव बीन को एलिमिनेट कर रहा हूं। ठीक है, यहां देखिए डू, डज, डिड और विल, जब भी कभी आपको एज ए हेल्पिंग वर्ब दिखता है डू या डज या डिड या फिर विल, आपको कभी भी अगर ऐसी कोई चीज दिखाई देती है डू, डज, डिड और विल, तो आपको एक रूल को ध्यान में रखना है। वो रूल क्या है? डी तीन बार मींस 3D और W। क्या ध्यान में रखना है आपको? 3D और W। कभी भी कोई सेंटेंस में, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर डू, डस, डिड या विल कभी भी अगर आता है, हमको कौन सी फॉर्म लगानी है? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं सेकंड फॉर्म के लिए, यहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ इसको थोड़ा सा लेट देखेंगे। मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म की बात करते हैं, has, have, had और will have। जब भी कभी किसी भी हेल्पिंग वर्ब में हमको एच ए दिख गया, एच ए, एच ए, एच ए और एच ए, अगर कभी भी हमको एच ए दिखता है किसी भी हेल्पिंग वर्ब के अंदर, तो मैन वर्ब क्या लगेगी? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के लिए मैंने क्या बताया था आपको? डू, डस, डिड और विल, और माइंड में ध्यान में रखना है शैल। उसी तरीके से Has, have, had और will have, जब भी कभी एच ए लगता है तो ये चीज कौन सी फॉर्म होती है? इसके साथ में कौन सी फॉर्म लगती है? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे चलते हैं, is, आर, एम, was, वर, will be और has been, have been, had been और will have been।
जब भी कभी ये सारी चीजें लगने वाली है तो हमको लगानी है इकलौती मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहां पर मैंने फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखा हुआ है क्योंकि आईएनजी लगती ही फर्स्ट फॉर्म के साथ में है, वो अंडरस्टूड है, वो हमें पहले से ही पता होना चाहिए। ठीक है, हम यहां बात कर रहे हैं इज आर एम वॉज वर्ब विल बी और विल हैव बीन हैड बीन हैव बीन और हैज बीन के बारे में। इसको याद रखने का तरीका क्या हुआ, इसको याद रखने का तरीका था 3D और W, इसको याद करने का तरीका था HA, HA, HA और HA। जब भी कभी ये दिखता है तुमको लगानी है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देखिए पहले सबसे सिंपल तो ये है बीन, आपको दिखाई दे रहा है यहां पर। जब भी कभी किसी सेंटेंस के अंदर हमको क्या दिख जाए बीन, तो हमको क्या लगाना है वहां पर आईएनजी लगाना है बिना किसी तरीके के दिमाग के। SRE बी और एम के साथ मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि आईएनजी लगता है आई एम गोइंग, ये बहुत कॉमन सेंटेंस है तो मैक्सिमम लोगों को पता होता है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम कि हम उसमें गलती करें। ठीक है, और अगर फिर भी है तो आप इसको याद कर लें प्लीज। तो हमने अभी तक जो चीज समझी है वो चीज क्या है, समझे डू डस डिड और विल क्या फॉर्म लगाएंगे हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एच ए कहीं भी दिख गया अगर हमें हैज हैव हैड और विल हैव, हम क्या लगाएंगे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। Is RM means SRE, was verb means SRE, will be means be और been वाले चारों has been, have been, had been और will have been ये। Now एक पॉइंट ये आता है कि सर आपने जो यहाँ क्वेश्चन मार्क बता रखा है ये आप बताएंगे या आपको भी नहीं आता, तो देखिए मैं तो टीचर हूं तो मुझे आता है, मैं बता दूं इसके अंदर कि क्या होने वाला है। जब ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं जहां पर ना तो मैं है लगाऊं ना ही मैं थे लगाऊं पर फिर भी वो पास्ट का सबसे सिंपल रूप हो, वो पास्ट का सबसे सिंपल रूप हो, मतलब मैं गया, मैंने सोचा, मैं शादी में गया, मैंने शादी में एक लड़की को देखा, मुझे वो लड़की अच्छी लगी, मैंने मम्मी से उसके बारे में बात करी पर वो मेरी दूर की सिस्टर निकली, मेरा दिल टूटा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जो हम डेली रूटीन में बोलते हैं पास्ट कंसर्न में, जिसमें ना है लगता है ना थे लगता है, वो चीज कहलाती है मैन वर्ब सेकंड फॉर्म आने की पोजीशन। मैन वर्ब सेकंड फॉर्म सबसे रेयर लेवल पे यूज में आती है। और एक चीज और मैं बता दूं जो यहां बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, वो चीज क्या है कि डू डज ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं लगता और इसी तरीके से डिड ये भी कभी पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं लगता। डू डज और डिड ये कभी पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं लगता है, ये लगता है हमेशा नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में, और डिड भी हमेशा नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में लगता है। यहां पर हम ये चीज बात नहीं कर रहे हैं ये कहां लगेगा या कहां नहीं लगेगा, वो तो हम जब डिटेल वन बाय वन टेंसेस को समझेंगे सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे तो जाकर के हम इस चीज को प्रॉपर लेवल पे कीन लेवल पे और प्रिसाइज लेवल पे समझ पाएंगे। अभी हमारा मेन पर्पस जो है वो केवल इतना सा है कि मैं गलती ना करूं, मेरे माइंड में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मैं मैन वर्ब को प्रॉपर लेवल पे लगा पाऊं। तो देखिए हम इन सारी चीजों को समझ चुके हैं आज, लास्ट पॉइंट लास्ट टू मिनट्स और है वीडियो के, इसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं एक बहुत शानदार चीज मैं आपको बताने वाला हूं इसके अंदर, वो चीज क्या है। देखिए हमने टेंस वाले जो चीजें होती है मतलब टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स तो समझ ली, क्या क्या है वो डू डज डिड विल, कौन सी फॉर्म लगाएंगे उसके अंदर हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं गया, मैंने सोचा, मैं भागा, उसने सोचा, उसने बुरा माना, सब में क्या लगाएंगे मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब भी कभी मैं ऐसा कुछ बात कर रहा हूं has, have, had और will have अगर मैं सेंटेंस में ऐसा कुछ लगा रहा हूं तो वहां पर मैं क्या लगाने वाला हूं मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके अलावा जितनी भी चीजें बचेगी उसके अंदर भी क्या लगाने वाला हूं मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर बात करें एक्सिलरी वर्ब्स मतलब हेल्पिंग वर्ब्स जो मॉडल्स में काम आती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है एक्सिलरी वर्ब्स, होती वो भी हेल्पिंग वर्ब्स ही है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे जितने भी हैं, should, should have, ये जितने भी हैं ये सभी जो हैं ये एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं। थोड़ा सा इंग्लिश को शायद डिफिकल्ट बनाने के लिए मुझे ऐसा लगता है इसको जोड़ लिया गया है, अदरवाइज दीज आर ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब्स ओनली गाइस, इसमें कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस है नहीं, बनाने का पैटर्न वही है, एज इट इज है सब कुछ। तो देखिए वो कैसे हम समझ सकते हैं, समझे कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कुड बी के अंदर क्या लगाऊं, शुड बी के अंदर कौन सी मैन वर्ब लगाऊं, क्या वो भी इसी से क्लियर हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा, विद इन वन मिनट ये क्लियर होने वाला है। सिंपल सा एक सिद्धांत आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कभी, देखिए इसका तो रोल ही खत्म हो गया, मैन वर्ब सेकंड फॉर्म दुनिया के केवल एक तरीके के सेंटेंस में लगती है, जब भी मैंने ऐसा कुछ बोला मैं गया,
मैंने सोचा था कि इसका कोई सिंबल नहीं है, सॉरी टू से दिस थिंग, बट इसका कोई सिंबल नहीं, इसका कोई पहचान का शब्द नहीं है कि मैं आपको फिक्स बता दूं कि ऐसा बोल दो और इसके अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्म लग जाएगी, तो कोई सिंबल नहीं है। आपको यही ध्यान में रखना है, पास्ट में है ऐसा कुछ नहीं आए, पर वो चीज पास्ट में घटित हुई हो तो वहां पर हमको लगाना होता है मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो कभी भी मॉडल्स के अंदर यूज में नहीं आएगा, इसको आप ध्यान में रख लें। थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म कभी यूज में आती है। देखिए, जब भी किसी मॉडल के अंदर ना तो बी हो और ना ही उसके अंदर हैव हो, वो बिना बी और बिना हैव का अगर मॉडल होता है, मतलब बिना बी और बिना हैव का एक्सिलरी वर्ब होता है, तो वो आएगा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली कैटेगरी में, जैसे कैन, कुड, शुड, ought to, has to, have to, is to, are to, is about to, are about to, जितने भी ये हैं मॉडल्स, ये सभी किसमें आने वाले हैं, ये आने वाले हैं मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। नेक्स्ट नंबर पर बात करते हैं थर्ड फॉर्म। जब भी मैंने बोला could have, should have, ought to have, would have, मुझे लगाना पड़ेगा थर्ड फॉर्म बी, जैसे would be, जैसे should be, जब भी कभी बी वाला सेंस आ गया तो वहां पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा आईएनजी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी चीज है, डू डज डिड विल और मॉडल्स में से किसी भी मॉडल जिसमें बी से उसका एंड नहीं हो रहा या हैव से उसका एंड नहीं हो रहा, वहां पर मुझे क्या लगाना है, वहां लगानी है मुझे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म सिंपल सा तरीका है, पास्ट में केवल एक पर्टिकुलर तरीका है, मैंने सोचा, मैंने चाय पी, मुझे अच्छी लगी, मम्मी ने और चाय दी, इस तरीके के सेंटेंसेस के अंदर हमको लगानी है सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म लगानी है हमको हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव और हैव, जिससे जो मॉडल एंड होते हैं वहां पर हमको लगाना है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भी एच ए आ रहा है, आप इसको इस तरीके से भी ध्यान में रख सकते हैं, और यहां पर भी बी आ रहा है, और जब भी किसी मॉडल के अंदर हमको दिखता है बी तो वहां पर हम जो लगाने वाले हैं वो है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो गाइस देखिए, आज का जो ये लेसन था मुझे ऐसा लगता है बड़ा ही शानदार लेसन होगा और आपने इसे बहुत सारी नई चीजें सीखी होगी। हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर हम जो चीज सीखने वाले हैं वो चीज क्या है, देखिए हमको ये तो पता चल गया कि क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी तो क्या मैन वर्ब लगाएं, कौन सी मैन वर्ब लगाएं, पर अगर हमको यही पता नहीं चल रहा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, मैं जा रहा हूं सर इज लगाऊं, आर लगाऊं, एम लगाऊं, डज लगाऊं, डू लगाऊं, कैन लगाऊं, कुड लगाऊं, कुड हैव लगाऊं, क्या लगाऊं सर समझ में नहीं आता, अगर ऐसा कुछ है तो उस जगह पर आपको उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। आज हम अब कंप्लीट फोकस जो डालने वाले हैं वो डालने वाले हैं इस वीडियो के ऊपर। ये वीडियो क्या है, पहली चीज इसको समझाने से पहले मैं ये बता दूं, आपने इन चीजों को बहुत बार समझा है टेंस के रूप में, और हो सकता है ये चीजें आपको परेशान करने में, इरिटेट करने में, बॉदर करने में, या पकाने में, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो पकाने में बहुत हद तक कारगर साबित हो चुकी है, मतलब ये चीज आपको बहुत हद तक पकाती है। पर इस चीज को आप समझ ले प्लीज, इन चीजों को हम टेंस के रूप में नहीं समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं सिंपल से इस तरीके से, अगर ताहे तीहे तेहे ताहूं या तीहूं, ऐसी कोई भी चीज मुझे किसी भी सेंटेंस के एंड में दिख जाती है, जैसे हम जाते हैं, तुम जाते हो, वो लड़की मुझे लाइक करती है, मैं उससे बहुत ज्यादा नफरत करता हूं, मैं मोटिवेशन देता हूं, मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाता हूं, तुम बहुत ज्यादा वीडियोस अपलोड करते हो, तुम चीजों को प्रॉपर लेवल पे नहीं समझते हो, ये इंसान मुझे भाई समझता है, मैं इसको दोस्त से बढ़कर समझता हूं, ऐसे सेंटेंस जिसमें एंड में ता है, ती है, ते है, ताहूं, तीहूं, ऐसा कुछ भी आ रहा है, तो आपको जब ऐसा कुछ यहां पर आएगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाना है, या तो डू या डज और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर सिर्फ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो कैसे लगेगा उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, अभी केवल ये चीज समझनी है कि जैसे ही ता है, ती है, ते है, ऐसा कोई भी किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में हमको दिखता है, हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, हमें लगाना है सिर्फ फर्स्ट फॉर्म या डू डज और फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का अर्थ क्या हुआ, मैंने पहले भी बताया था, मैं गया, मैंने सोचा, मैं भागा, ऐसी कोई भी चीज जो हुई पास्ट में है पर उसका प्रेजेंट से अभी थोड़ा बहुत कनेक्शन है, जब उसका प्रेजेंट से कनेक्शन नहीं होता पर वो पास्ट में घटी है तो उसके लिए लगाया जाता है हेड। जैसे मैंने सपोज करो इस तरीके से बोला कि मैंने बहुत सारे लोगों को मारा, उस चीज का केस आज भी चल रहा है, सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को पीटा है और उस चीज का केस आज भी चल रहा है, तो मैं क्या लगाने वाला हूं ये। और नेक्स्ट नंबर पे
कुछ लोगों ने मेरा बहुत बुरा सोचा था, आज से 25 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, कि लोगों ने मेरा बहुत बुरा सोचा, जब मैं 2-3 साल का हुआ करता था तो लोगों ने मेरा बहुत बुरा सोचा था उस समय पर, ठीक है, वहां में क्या लगा रहा हूं हेड, क्योंकि आज उन लोगों का मुझसे कोई कनेक्शन नहीं है। जब चीजों का कनेक्शन हमसे नहीं होता है पर वो पास्ट में होती है, वहां पर हम लगाते हैं हेड और थर्ड फॉर्म। और जब हमारा किसी चीज से कनेक्शन होता है और वो आज भी होती है, जैसे सचिन का एग्जाम्पल देखते हैं, सचिन ने क्रिकेट खेला, या सचिन ने क्रिकेट खेला था, हम दोनों में क्या लगाएंगे, मैन ऑफ द सेकंड फॉर्म या डिड और फर्स्ट फॉर्म। और अगर मैंने इस तरीके से बोला कि कपिल देव ने भारत को मैच जिताया या जिताया था, तो हम वहां क्या लगाएंगे, हेड और थर्ड फॉर्म, क्योंकि उसका आज से एज कोई कनेक्शन है नहीं, इस कारण से हमको लगाना होगा हेड और थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, जब भी किसी सेंटेंस के एंड में लगता है गा गी गे, अगर मुझे यहां दिखता है जैसे मैं जाऊंगा, हम जाएंगे, आप सक्सेसफुल बनोगे, हम भागेंगे, आप हमें देखोगे, हम मेडल जीतेंगे, लोग हमारे लिए ताली बजाएंगे, मैं सक्सेसफुल बनूंगा, मुझ पर किताब लिखी जाएगी, लोग मुझ पर मूवी बनाएंगे, लोग अच्छी चीज़ें सोचेंगे, मैं लोगों की ज़िंदगी का हौसला बनूंगा, ऐसी चीज़ें जब भी आती है तो वहाँ पर हमको लगाना होता है विल या शैल। यहाँ शैल नहीं लिखा हुआ है, अभी आपको दिमाग में रखना है, केवल विल, शैल भी यूज़ में होता है, पर उसके लिए आपको थोड़ी सी आने वाली वीडियोज़ के लिए वेट करना होगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या रहा होगा या रही होंगी। इससे सिमिलर चीजों को लिखा हुआ नहीं, पर आपको माइंड में रखना है, ठीक है। देखिए मैं जो चीज बताने वाला हूं वो क्या है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है गाइस। इज आर एम भी रहा है, रही है में आ रहा है, हैज बीन हैव बीन भी रहा है, रही है में आ रहा है, तो डिफरेंस क्या हुआ? यहां पर एक चीज जो मैंने नहीं लिखी हुई मैं लिखने जा रहा हूं, उसके बाद में आपकी 90% चीजें क्लियर हो जाएगी दिमाग में इससे रिलेटेड। वो चीज क्या है, वो चीज है ड्यूरेशन। जब भी कभी मुझे बीन दिख गया और उसके साथ में आईएनजी दिख गया, तो इस चीज को समझ ले, ये चीज शो कर रही है ड्यूरेशन को। हमारा दिमाग ऐसा चलता है कि जब भी कभी हैज बीन हैव बीन दिखा तो मुझे सिंस फॉर लगाना है, सिंस फॉर लगाना है, दैट इज वेरी नाइस। पर आप इस चीज को पहले समझे कि जब अगर टाइम बताया हुआ नहीं है, टाइम डिस्टिंग्विश नहीं किया हुआ है अलग अलग सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, फिर भी अगर कहीं पर ड्यूरेशन है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, इज आर एम लगेगा, मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं, हैज बीन हैव बीन में से कुछ लगेगा। जैसे मैंने बोला हम दौड़ रहे थे, वॉज वर, उसेन बोल्ट सालों से दौड़ रहे थे, हैड बीन। जैसे कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं, मैं वीडियो बनाने की ट्राई बहुत टाइम से कर रहा था, हैड बीन, मैं वीडियो बनाने की ट्राई कर रहा था, तो वॉज वर। जैसे सपोज कीजिए मुझे कोई ट्रॉफी मिली और मैं घर पर दौड़ता दौड़ता गया और मैंने मम्मी को बोला मम्मी पापा कहाँ हैं, मम्मी ने बोला डिस्टर्ब मत कर पापा सो रहे हैं, पापा सो रहे हैं, फादर इज स्लीपिंग। नेक्स्ट, पापा को 6 घंटे हो गए और पापा सो रहे हैं दिन में, मैं बोलूंगा पापा ये क्या है और मम्मी ये क्या है यार, पापा 6 घंटे सो रहे हैं, पापा को मतलब ही नहीं मैंने ट्रॉफी जीती, तो पापा काफी टाइम से सो रहे हैं तो इसलिए लग रहा है वो हैज बीन और हैव बीन। देखिए बिल्कुल सिंपल है, कोई इंसान काफी टाइम से इस काम को कर रहा है तो वहां पर हम लोग लगेंगे हैज बीन और हैव बीन। जब उस काम को कोई इंसान उसी समय में उसी कंटिन्यूटी के साथ तो कर रहा है पर उसी समय में कर रहा है, वहां हम लगाएंगे इज आर एम। और पास्ट में जब ऐसा हो रहा है तो वॉज वर, पास्ट में कंटिन्यूटी बन रही है और ड्यूरेशन बन रहा है तो वहां हम लगाएंगे हैड बीन। और विल बी और विल हैव बीन, इसका भी सिस्टम सिंपल होता है। इसके सेंटेंसेस जो है मैं आपको एक दो बताऊंगा ताकि आप इसको प्रॉपर समझ पाए, क्योंकि इसके सेंटेंस को समझना बड़ा मुश्किल है। विल बी में पहली चीज समझ ले, जब भी कभी विल बी या मैं विल हैव की बात कर रहा हूं, जब भी मैं कभी विल बी या विल हैव की बात कर रहा हूं, तो यहां पर एक चीज ट्राई करें आप लोग, वैन लगाएं। वैन का अर्थ यहां पर होता है जब, जब का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, देखिए विल बी मैं एक सिंपल सा बोलता हूं कि मैं जा रहा होऊंगा, गलत नहीं है, पर अगर मैं हिंदी सेंटेंस ऐसा बनाऊं कि जब मैं जा रहा होऊंगा तब मैं तुम्हें बुला लूंगा, क्या लगेगा, फिर। तो जब अगर हम लगाएंगे तो सेंटेंस थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव और प्रैक्टिकल और अडॉप्टिंग वाला लगेगा, कि आपको ऐसा लगेगा हाँ यार मुझे थोड़ा समझ में इजीली आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको समझें, विल बी जो है वहां पर हम लगाने वाले हैं जब का सेंस,
तो थोड़ा सेंटेंस बन जाएगा अच्छा। जरूरी नहीं है आप जब लगाएं, पर अगर जब लगाते हैं तो सेंटेंस थोड़ा सा फास्ट और इफेक्टिव बन पाएगा। जो न्यू लर्नर्स होते हैं उनको छोटी छोटी चीजें बड़ी प्रॉब्लमेटिक लगती है, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज हो सकती है। और इसी तरीके से जब मैं बड़ा हो चुका होऊंगा, जब मैं सीए बन चुका होऊंगा, जब मैं पैसे कमा चुका होऊंगा, या जब मैंने पैसे कमा लिए होंगे, जब ऐसी चीजें आती है तो वहां पर भी अगर हम जब लगाएंगे तो वहां पर वो चीजें काफी अच्छी लगेगी। ठीक है गाइस, तो देखिए हम बात कर रहे थे इन चीजों को ड्यूरेशन में लगाते हैं, विल बी और विल हैव बीन का डिफरेंस हम देख रहे थे। विल बी का और विल हैव बीन का डिफरेंस हम विराट कोहली सर के थ्रू देखते हैं। सपोज करें विराट कोहली सर को कोई अवार्ड मिलने वाला है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के थ्रू, क्लियर। उन्होंने अनुष्का शर्मा मैम को बोला कि अनुष्का एक काम करना, जब मुझे अवार्ड मिल रहा होगा, क्योंकि सिंगल टाइम मिल रहा है अवार्ड, बार बार तो नहीं मिल रहा, हम ऐसा तो नहीं करें बार बार मिल रहा होगा, तो जब मुझे अवार्ड मिल रहा होगा तो तुम फोटोग्राफ खींच लेना। विल बी नेक्स्ट, हमारे जो सपोज कीजिए बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बोला, उन्होंने एक रिकमेंडेशन लेटर भेजा कि प्लीज विराट कोहली सर को पद्म विभूषण या उनको भारत रत्न दिलवाने की कृपा करें, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और भारत के लिए, भारत का बहुत नाम रोशन कर रहे हैं पूरी दुनिया में। वो इस तरीके से कहेंगे प्रधानमंत्री जी कि विराट बहुत अच्छा खेल रहे हैं मुझे पता है, पर जब वो इस चीज को 5-6 सालों तक अच्छा खेल रहे होंगे तब इस बारे में सोचा जाएगा। जब वो 5-6 सालों तक खेल रहे होंगे, देखिए रहे होंगे तो आ रहा है, पर 5-6 सालों तक मतलब ड्यूरेशन आ रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि ड्यूरेशन जो है वो बताया हुआ हो कि 5-6 साल, जैसे अगर मैंने ऐसा बोला वो बहुत टाइम तक अच्छा खेल रहे होंगे तो वहां पर भी हम विल हैव बीन लगा सकते हैं। इस चीज को समझें, अगर सेंसर 4 ही सब कुछ करता तो मुझे इसकी को लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं ऐसा लगा सकता हूं आई एम गोइंग और आई एम गोइंग सिंस मॉर्निंग, तो मैं इसको लगा ही क्यों रहा हूं। इसका मतलब ही यह है कि सेंस 4 तो लगता है, पर अगर वो ना भी लगे और मैंने सिंपल सा 2 सेंटेंस बोले आई एम टीचिंग, ये शो कर रहा है मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग, ये शो कर रहा है मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं, मतलब वो चीज थोड़ा सा एक्सपीरियंस को शो कर रही है। केवल फर्क ये है सेंसर 4 लगने के बाद क्या होता है, 4 से हमें ड्यूरेशन पता चल जाता है और सिंस से जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस चीज का वो पता चल जाता है। सेंसर 4 के डिटेल यूज के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, उसके लिए भी आगे आने वाली वीडियोस का आपको वेट करना होगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं, हैज हैव, इसके अंदर लगती है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड में भी लगती है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और विल हैव में भी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए मैंने आपको याद भी करवाया था HA, HA, HA और HA इस तरीके से लगता है। इसका मतलब सिंपल है, जो चीज रिसेंट में हो चुकी है, जैसे मैंने इस तरीके का सिंपल सा सेंटेंस बोला, सपोज करो कि मैं खाना खा चुका हूं, अगर मैं बोलता मैंने खाना खाया ये, अगर मैंने पास्ट में बोला किसी मैरिज पार्टी के लिए जिसका मेरा अभी कोई कनेक्शन नहीं है, तो वहां पर मैं क्या बोलता, मैंने खाना खाया था उस टाइम पर, तो मैं लगाता हेड। और जब मैं ऐसा कुछ बोलूंगा कि जब मैं खाना खा चुका होऊंगा मैं आपको बता दूंगा फिर हम लोग चलेंगे, तो विल हैव। वापस देखते हैं सभी चीजों को एक बार रिपीट करते हैं। देखिए वापस से सपोज करें मैंने ऐसा बोला, मैं एक शादी में जा रहा था, क्या लगाऊंगा मैं, वॉज वर और आईएनजी, वेरी गुड। यहां मुझे दिखा मैं शादी में जा रहा था, मैं लगाऊंगा यहां पर वॉज वर या आईएनजी में से एक, ठीक है। वॉज कहां लगता है, वर कहां लगता है, अगर आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है तो आप बना लेंगे, नहीं है तो थोड़ा सा वेट करें, अगली वीडियो इसी बारे में होगी। नेक्स्ट नंबर पे मैं शादी में जा रहा था, वॉज वर आईएनजी हो गया, मैंने अचानक से मेरी बहन को देखा, मैं सेकंड फॉर्म लगाऊंगा, डिड या फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, आई सॉ माय सिस्टर, मुझे अजीब सा लग रहा था, फिर से क्या लगाऊंगा मैं, वॉज वर और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मैं मेरी सिस्टर को पहले देख चुका था, जैसे ही सेंटेंस के एंड में आया हिंदी में चुका था, तो मैं यहां क्या लगाऊंगा, हैड और थर्ड फॉर्म। उसके कुछ टाइम बाद अचानक से मैंने अपनी मामी को देखा, फिर से ऐसा लगाऊंगा। जब भी मैं अपनी मामी को देखता हूं मुझे बड़ा डर लगता है, ता है ती है ते है, मतलब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगली बार जब मैं अपनी मामी को देखूंगा तो मैं नहीं डरूंगा, गागी क्या आ रहा है, तो विल और फर्स्ट फॉर्म। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं फेंक रहा हूं इजारे, तो मैं नहीं फेंक रहा हूं, मैं इस डर को महसूस कर चुका हूं, इसलिए मैं इतने टाइम से मेरी मामी और उनकी बेटी मतलब मेरी बहन के बारे में बता रहा हूं, इतने टाइम से
तो has been और have been. तो इस तरीके से हम स्टोरी के माध्यम से भी इस चीज को समझ सकते हैं. तो गाइज ये जो वीडियो था ये डेडिकेटेड था उन बिगिनर्स और उन अच्छे लोगों के लिए जो इंग्लिश को परफेक्टली बोलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो इंग्लिश को सिर्फ बोलना चाहते हैं, उनको केवल इंग्लिश को एक कन्वेयर बेल्ट की तरह यूज में लेना है और उनको अपनी बात को सामने वालों को समझाना है चाहे वो समझे या नहीं समझे. तो गाइज ट्राई करें तीनों वीडियोस SOMH को SHMO में कन्वर्ट करने वाली और किस मैन वर्ब के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है और जब हमारे पास में हिंदी में यहां पर कोई चीज आती है तो उसके बाद में इंग्लिश में क्या चीज लगती है, इसके लिए ये तीनों वीडियोस बहुत अच्छी है. प्लीज इन वीडियोस को प्रॉपरली देखें. अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप हमारा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं, अगर आप मुझे एनकरेज करना चाहते हैं तो प्लीज एक लाइक भी दे सकते हैं. थैंक्स अ लॉट.